अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक फ्रेंड है तो उनके घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे, मगर उनको लड़की पसंद नहीं है और घर वाले फोर्स कर रहे हैं उनको कि उनसे बात करो बोल के, मगर उनको इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उनकी अभी वैसी एज भी नहीं है, मगर उनके घर उनको पसंद आ गई शायद लड़की, तो वो बस उनके घर वाले को समझेंगे कैसा। भाई ने एक प्रैक्टिकल सवाल किया, लेकिन जनरली लड़कियों की तरफ से आता, लड़कों की तरफ से आ गया कि एक लड़का है उसको लड़की पसंद नहीं। जनरली होता है, लड़कियों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि लड़का पसंद नहीं, वालिद ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अब लड़कों को भी ज़बरदस्ती समझो हो रही। तो मैं एक बात आपको यहाँ बोल दूँ, जनरल कॉन्टेक्स्ट में फोर्स मैरिजेस इस्लाम में अलाउड नहीं है, चाहे किसी की भी हो। फोर्स मैरिज आप उसको साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली फोर्स करें, तुम ये नहीं करेंगे तो ये नहीं दूंगा, ये नहीं करेंगे तो टाइम नहीं दूंगा, ये नहीं करेंगे घर से निकाल दूंगा, ये नहीं करेंगे तो एजुकेशन वो कर दूंगा, ये नहीं करेंगे तो मेरा मरा मुंह देखेंगे, ये समझे ना आप, ये भी तो ब्लैकमेलिंग है, ये भी फोर्स है। तो फोर्स मैरिज इस्लाम में अलाउड नहीं है, लड़कों की ना लड़कियों की। अच्छा, फोर्स मैरिजेस के केस यहाँ नहीं है, मैंने इवन US और UK में देखा फोर्स मैरिजेस के इतने केस हैं कि बच्चा पैदा हुआ UK में, बड़ा हुआ UK में, माँ बाप आ रहे इंडिया पाकिस्तान से, अब वो चाहते हैं कि वहाँ से उसकी चचेरी बहन को लाना यहाँ, वो पढ़ी हुई बेचारी पता नहीं कहाँ की, इसको बिल्कुल पसंद आती नहीं हो क्योंकि इसका कल्चर पूरा समाज अलग रहा, और फोर्स करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को, फाइनेंशियल ब्लैकमेल करते हैं कि वो नहीं करेंगे, घर से निकालने की धमकियाँ देते हैं, मरा मुंह देखने की धमकियाँ देते हैं, ये सब करते हैं, और वो बेचारा फिर मजबूर हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का पसंद आना कंडीशन है मैरिज की, लड़के के लिए तो और ज़्यादा, चूँकि लड़की को तो उसके वली को पसंद आना जरूर, लेकिन यहाँ तो लड़के का तो पर्सनल है। तो याद रखिए, वैसी मैरिज नहीं होती है, उस लड़के का काम है वो ना 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 ही कहते रहे, सिवाय इसके कि वाकई में वो लड़की खैर हो, सिवाय इसके कि अभी उसको समझ नहीं हो तो वो थोड़ा और वेट कर ले, सिवाय इसके कि वो पेरेंट्स से कहे कि और चांस दिया जाए, मे भी कुछ दिनों में पसंद आ जाए, लेकिन हकीकत में जैसे आपने कहा उसको पसंद ही नहीं है तो उसने फिर ना कह दे, और ये इन्फॉर्मेशन वालदेन को भी क्लियर दे दे, क्लियर एंड लाउड जिसको बोलते हैं, और सामने वालों को भी अगर भेज सकता मैसेज तो दे दे क्लियर एंड लाउड कि मैं बच्ची से शादी, बच्ची को मत बोलिए, उसका दिल दुखेगा उससे, खामोखा सा कुछ हुआ नहीं, इसका बाप मजबूर कर रहा उसको, वो लड़की पसंद आ गई तो उसको क्यों करने, लेकिन उसके वालिद को मैसेज दे दे लड़की के, मुझे पसंद नहीं, मेरे वालदेन फोर्स कर रहे हैं, फोर्स मैरिज के अंदर कोई ज़्यादा आगे मामला चलने वाला नहीं है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन दे दे। फोर्स मैरिजेस किसी की भी इस्लाम में अलाउड नहीं है, ना लड़कों की ना लड़कियों की, किसी भी लिहाज से आप करेंगे ब्लैकमेल करके, फाइनेंशियल प्रेशर डालकर, और कुछ भी जो जो हमारे समाज में होता है, मरा मुँह देखूंगा, दूध माफ़ नहीं करूंगी, देखो बाप बोलता कमा के क्या फ़ायदा हुआ, तू तो ऐसा निकल गया, कुछ वो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें नहीं चलती भाई। देखिए, दिल का मामला ऐसा है, उसकी चॉइसेस अलग होती है, हम बोलते हैं ना कई बार गधे पे भी दिल आ गया तो क्या करेंगे फिर, तो दिल का मामला ऐसे ही होता है। तो आप किसी के दिल को ले जाकर थोप नहीं सकते कि इससे मोहब्बत करो, आप समझ रहे, और किसी के दिल पे आप सर पे गन रख के भी नहीं बोल सकते इससे नफरत करो, जिसके दिल में बात है वो निकल नहीं सकती, हाँ डर कर बोल देंगे कभी। तो भाई, इस पर फोर्स करना जिस चीज़ पे इंसान का खुद का बस नहीं है तो फिर इस मामले में गलत है। तो मैं कहूँगा फोर्स मैरिजेस अलाउड नहीं, उस लड़की को कहिए, वालिद को भी क्लियर एंड लाउड बोले, और लड़के के लड़की के वालिद को बोलते कि लड़की आपकी अच्छी माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं लेकिन इनसे निकाह नहीं करना, सिंपल है। अब वालिद को पसंद आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी करी दे उसकी, बट लड़के से भी गुजारिश करूँगा पहले रीथिंक कर ले, बातें सब सोच ले, उसके बाद भी अगर लड़की पसंद नहीं है तो फिर मैं कहूँगा शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना, चूंकि ये मैरिज सक्सेसफुल नहीं होते, थोड़े दिन में टूट जाते हैं। तो लिहाजा किसी की ज़िंदगी खुद की भी ख़राब मत करो, उस लड़की की मत करो, फिर इसको बोल दो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कुछ दिन रुकने से शायद मेरे इरादे बदले, तो पहले अच्छे से पूरा सोच लो और उसके बाद क्लियर एंड लाउड अपना मैसेज लो, है अपने वालिद को बोल दो, और उसके घर वालों को भी अगर ये नहीं मानते हो तो बता दो कि मैं मुझे पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।